वीकेंड का वार हुआ है इस बार सोनाली पर, और सोनाली आ चुकी है बिग बॉस के घर के बाहर। सोनाली, कैसा रहा है बिग बॉस का ये सफर? मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी रही, और जिस तरीके से ये शो को मैंने हैंडल किया और जिस तरीके से चीज़ें हुई, और अभी मैं बाहर हूँ, और जर्नी तो मैं कहूँगी बहुत ही अच्छी रही मेरी। बहुत ही अप्स एंड डाउन्स तो थे ही, लेकिन जिस तरीके से मैंने हैंडल की ये चीज़ें, आई एम प्राउड ऑफ दैट। काफ़ी एंटरटेनिंग रही आप, मतलब कभी आपको कंटाला आ जाता था तो कभी आपको कुछ होता था, मतलब काफ़ी पसंद किया आपको लोगों ने। थैंक यू वेरी मच। मैं काफ़ी आई एम हैप्पी कि लोगों ने मुझे पसंद किया, और आई थिंक वो शो का USP, मतलब क्या बोलूँ, एक्चुअली आप शो पे हो तो एंटरटेनमेंट फैक्टर देना चाहिए, एंड मैं जैसी थी मैं वैसी ही थी शो में। अगर वो चीज़ें मेरी पसंद आई लोगों को, वो एंटरटेनिंग लगी, तो आई एम हैप्पी। तो किसके साथ अब मतलब क्या क्या यादें लेके जा रही है बिग बॉस के घर से? किससे दोस्ती हुई, किससे दुश्मनी हुई, क्या कहेंगी? देखिए, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और लकीली इस सीज़न में कोई ऐसा आया नहीं जो बहुत ही एक्सट्रीम हो या जिसे एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत है या कुछ ऐसे, तो चीज़ें मतलब कोई ऐसा तो था नहीं, सभी अच्छे थे। हाँ, कुछ दोस्त बने, किसके साथ इतना कनेक्शन नहीं बना, और मेरे दो दोस्त बहुत अच्छे से बने हैं, प्रणीत और सुशांत, और मैं काफ़ी P3G ग्रुप के साथ क्लोज थी, तो मैं सभी को मिलना चाहूँगी बाहर, और सबके साथ वो छोटी मोटी चीज़ें, अगर आप एक घर में हो तो आई थिंक फैमिली में भी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, छोटी छोटी अनबन होती रहती है, तो वो भी एक घर था, वो भी एक फैमिली थी, चीज़ें होती गई, लेकिन सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सबके साथ बहुत अच्छा है, और मैं सभी को बाहर मिलना चाहती हूँ। मतलब लेकिन कहा जाए तो एकदम करीब आके आप एकदम निकल आई, मतलब कहीं मन में लग रहा है कि मुझे अभी टॉप 5 में होना चाहिए था, मतलब डिज़र्व करती है वहाँ पर? जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँची, यही मेरी जीत है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ तक पहुँचूँगी, क्योंकि पता नहीं जिस तरीके, मतलब जो लोग थे मेरे साथ वो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर थे, उनका बहुत काम था, एंड मैं एक न्यूकमर थी, मेरी एक ही फिल्म रिलीज़ हुई थी और उसके बाद तुरंत मैं बिग बॉस में आई थी, तो मुझे नहीं पता था मैं कहाँ तक जाऊँगी, लोग मुझे कितना पसंद करेंगे, बट आई थिंक मैं हर हफ्ते नॉमिनेट रही, हर वक्त मैं सेव, मतलब लोगों ने मुझे पसंद किया और सेव किया, तो मैं यहाँ तक पहुँची, आई एम हैप्पी, एंड आई थिंक एवरीवन इज़ अ विनर। टू बी पार्ट ऑफ बिग बॉस इज़ एक्चुअली नॉट अ जोक। तो क्या लगता है अभी जो है उनमें से कौन आपके हिसाब से कौन बन सकता है विनर? जी, मुझे प्रीतम जी बहुत अच्छे लगते हैं, आई सी हिम एज अ विनर, एंड उनके बाद आई सी गौतम। आई थिंक दोनों के बीच में टफ कॉम्पिटिशन है, सो आई एम श्योर, आई थिंक दोनों में से एक विनर रहेगा। तो ऑडियंस आपको मिस करने वाली है, तो और नेक्स्ट आपको कहाँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ जो आप आगे करने वाली हो कुछ? जी, मैं आई थिंक 1 बजे घर पहुँची हूँ, और मैं 3 बजे सो गई, और मैं उठी अभी कुछ घंटे पहले, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैंने अभी अपना फ़ोन देखा है, और मुझे तुरंत कलर्स ऑफिस बुलाया गया है इंटरव्यूज़ के लिए, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। आई थिंक मुझे एटलीस्ट 1-2 दिन लगेगा, टू बी नॉर्मल। जी, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू। कैमरा फैजान के साथ पहुंची फॉर टेली मसाला।